अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुमा और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब से 15 अफराद हलाक, 5 अफराद लापता, मरने वालों की फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए। बारिश का असर तेलंगाना में 1400 बसें मंसूख। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया, गाइडलाइंस तैयार करने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला शदीद बारिश और सैलाब से उथल पुथल हो गए हैं। बारिश और सैलाब की वजह से रियासत भर में 15 अमवात हुई हैं और 5 अफराद लापता हैं। हजारों लोगों को कैंपों में रखा गया है। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश और सैलाब की तबाही की सूरत हाल का जायजा लेते हुए बारिश से मरने वालों को फीकस 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। उसके अलावा फसलों की तबाही पर भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। बारिश से कई मकानात मुनहदिम हो गए और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा तबाही मुत्तहदा अजला खम्मम, वरंगल और नलगुंडे में पेश आई। दो मुकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में बह गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। शदीद बारिश और सैलाबी पानी के कौमी शहराओं पर जमा हो जाने और कौमी शहराओं पर वाक़े ब्रिजेस के ऊपर से पानी बहने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सड़क का रास्ता भी मुनख़ता हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद और रफ्त को रोक दिया गया। ज़िले नलगुंडे के कोदार के कौमी शहरा पर वाक़े चेक पोस्ट के पास सैलाबी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से हैदराबाद से विजयवाड़ा रूट पर जाने वाली RTC बस सर्विस को भी मनसूख कर दिया गया। खानगी गाड़ियों की आमद और रफ्त रुक गई है। कौमी शहरा नंबर 65 पर तालाबों का पानी जमा होने से गाड़ियों की आमद और रफ्त शदीद तौर पर मुतासिर हुई। हुक्काम ने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों के रुख को बराह नारकटपल्ली, ओन की और सहम की तरफ मोड़ दिया। जिले खम्मम के बाज मुकामात पर सैलाबी पानी में फंस जाने वाले अफराद को बहिफाजत महफूज मुकाम मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब से मुतासर अजला खम्मम, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद और सूर्यापेट के कलेक्टर्स को फौरी राहत के लिए 5 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सैलाब में मरने वाले मवेशियों, बकरियों और भेड़ों के मुआवजे में इजाफा किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखने का फैसला किया है, जिससे मोदी हुकूमत से कहा जाएगा कि वो उसे कौमी आफत समझें और फौरी माली इमदाद फ्राहम करें और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करें। तेलंगाना के खम्मम में सैलाब के पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया। शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम से गुजरने वाली मुनेरू नदी में ज़बरदस्त तुगयानी आई। 9 अफराद खम्मम के प्रकाश नगर से गुजरने वाली मुनेरू नदी के सैलाब के पानी में इतवार के दिन में 1 बजे फंस गए थे। खम्मम शहर की अवाम रियासती हुकूमत के ताउन से 11 घंटों की जिद्दोजहद के बाद 9 अफराद को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वजीर ज़िराअत टी नागेश्वर राव ने AP हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की दरखास्त दी, मगर मौसम खराब रहने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया। जिसे अल्लाह बचाए वो हर मुसीबत और बड़े से तूफान से भी महफूज रहते हैं। 11 घंटे सैलाब के पानी में रहते हुए मौत को अपने आंखों के सामने देखने के बावजूद उन 9 अफराद ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार खम्मम रुकने असम्बली व रियासती वजीर ज़िराअत टी नागेश्वर राव, खम्मम कलेक्टर मुजम्मिल खां, पुलिस फोर्स को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 JCB और 2 बोट्स के इस्तेमाल करते हुए 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया। जिले की अवाम ने रियासती हुकूमत, खम्मम शहर की अवाम, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का शुक्रिया अदा किया, जो रात के वक्त तकरीबन 11:45 पर 9 अफराद को सैलाब के पानी से महफूज तरीके से बाहर ला लिए। तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब के पानी में खातून साइंसदान और उनके वालिद कार के साथ बह गए, जिसमें साइंसदान डॉक्टर नौनावत अश्विनी की नाश नदी से बरामद हो गई। ताहम उनके वालिद मोतीलाल नायक लापता बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह केरेपल्ली मंडल गंगार तांडा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर नौनावत अश्विनी ज़रई तहकीक के मैदान में एक साइंसदान के तौर पर दिल्ली में काम करती हैं। 29 अगस्त को अपने भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वो अपने वालिद नौनावत मोतीलाल के साथ वापस दिल्ली जाने के लिए एक कार में हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। हैदराबाद पहुंचने से कबल ही उनकी कार पुल के ऊपर सैलाबी पानी में फंस गई और बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। बाप बेटी ने आखिरी मर्तबा अपने रिश्तेदारों को फोन पर बताया कि वो जिस कार में सफर कर रहे थे वो पुल पर फंस गई है और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया है। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने तक कार नदी में बह गई। पुलिस ने NDRF की टीम की मदद से अश्विनी की लाश बरामद कर ली है, जबकि बाप की तलाश जारी है।
तेलंगाना के बीचतर अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर बिशमूल रियासत के तमाम जखायर आब की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। मस्कुरा दोनों आबी जखायर शहर हैदराबाद को पीने के पानी की सरबराही का अहम जरिया हैं। उसी तरह मूसा नदी की सतह में भी इजाफा हुआ है। पानी मूसा रामबाग ब्रिज को छू रहा है। हंगामी हालात में अवामी शिकायत वसूल करने के लिए टोल फ्री नंबर कायम किए गए हैं। टोल फ्री नंबर 2111111040, DRF नंबर 1366679, 0001। GHMC ने अपने अमले को सूरत हाल के बारे में चौकस रहने की हिदायत दी है। हुकाम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। बारिश की वजह से हैदराबाद में मौसम सर्द हो गया है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में वाक़ श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचम्पाड़ प्रोजेक्ट के नाम से भी मशहूर है, उसके दरवाजे खोल दिए गए। SRSP सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि प्रोजेक्ट के पानी की सतह तकरीबन 90% तक पहुंच गई है, इसलिए प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। उन्होंने गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों की आवाम से चौकस रहने की अपील की है। मच्छरों से ख्वाहिश की गई है कि वो शिकार पर ना जाएं। उन्होंने कहा कि माहीगीरों, चरवाहों और किसानों को चाहिए कि वो मवेशियों और भेड़ों को दरिया के आबगीर इलाके में दाखिल होने से रोकें। रोजनामा सियासत के चीफ एडिटर व नौ मुंतखब कांग्रेस के MLC आमिर अली खान ने कहा कि मुल्क हिंदुस्तान में फिरका वाराना सियासत के लिए कोई जगह नहीं है और कांग्रेस पार्टी को मुल्क भर में खास रद्द अमल मिल रहा है। उन्होंने सबसे कहा कि वो मजहबी इख्तलाफात का सहारा लिए बगैर इकट्ठे हों और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में इक्तदार में रहेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी। आदिलाबाद के दौरे के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के असेंबली इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया। इस दौरान मीडिया कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। MLC आमिर अली खान ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तमाम मजाहिब के मानने वाले मजहबी इख्तलाफात की तरफ जाने के बजाय दूध और शक्कर की तरह मुतहद हो जाएं। उन्होंने तबसरा किया कि BJP तकसीम करो और हुकूमत की पॉलिसी अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम तबकात को मुत्तहिद करने के लिए इकदामात कर रही है। रियासत में शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तेलुगु रियासतों में कई मुकामात पर बसों को मंसूख कर दिया है। इतवार की रात तक 877 और पीर की सुबह तक 570 बसें मंसूख कर दी गईं, यानी कि अब तक जुमला 1400 से ज्यादा बसें मंसूख की गई हैं। RTC हुकाम ने बताया कि खम्मम, विजयवाड़ा और महबूबाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं, इसलिए उन रास्तों में बसें मुकम्मल तौर पर मंसूख कर दी गई हैं। उनका कहना था कि सैलाब की सूरत हाल में कमी के बाद उन रास्तों पर दोबारा बसें चलाई जाएंगी। बताया जाता है कि हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बसों का रुख गुंटूर के रास्ते मोड़ दिया गया। बताया गया है कि जिले खम्मम के लिए बसें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। उसी तरह विखाराबाद से 212 के बजाय 50 बसें चलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वो शख्स मुलजिम है या मुजरिम है। अदालत ने कहा कि घर गिराने से पहले पूरे मुल्क के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाएं। ये मामला उस वक्त पैदा हुआ जब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने अदालत से बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस के विश्वनाथन की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक मनखुला जायदाद को महज इसलिए मुनहदिम नहीं किया जा सकता है कि कोई मुलजिम हो। SG मेहता ने कहा कि इन्हदाम तभी हो सकता है जब कोई ढांचा गैर कानूनी तौर पर बनाया गया हो। ताहम उन्होंने ये भी दावा किया कि उस मामले को अदालत के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर आप उससे मुत्तफिक हैं तो हम रहनुमायाना खतूत जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मुनासिब अमल होना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर तामीरात गैर कानूनी है तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बाकायदगी होनी चाहिए। हम तरीके कार तय करेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि ऐसे मामला से बचने के लिए हिदायत क्यों नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि पहले नोटिस जारी किया जाए, फिर जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। कानूनी चारा जोई के लिए वक्त दिया जाए तभी मसमारी होनी चाहिए। बेंच ने यह भी वाजे किया कि वो गैर कानूनी तामीरात का दिफा नहीं कर रहा है। अदालत ने कहा कि हम किसी भी गैर कानूनी ढांचे बिशमूल मंदिर को नहीं बचाएंगे जो सड़कों पर रुकावट बन रही हो, लेकिन इन्हदाम के लिए रहनुमाना खतूत होने चाहिए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव और CU सिंह ने दरखास्त गुजारों की जानिब से जहांगीरपुरी दिल्ली में इन्हदाम की मिसाल दी, जहाँ कुछ मामलात में किराए की जायदादों को भी मुनहदिम किया गया था। दौरान समाअत राजस्थान के उदयपुर का मामला सामने आया, जहाँ एक तालिबे इल्म ने अपने साथ पढ़ने
کرنے والے لڑکے پر حملہ کرنے کے بعد اس کا گھر توڑ دیا۔ عدالت نے اسے غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اس کا گھر گرانا درست طریقہ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے کی 17 ستمبر کو دوبارہ سماعت کی جائے گی اور اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تجاویز مانگی ہیں۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پیر کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا۔ آج صبح سے ان کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ امانت اللہ پر دہلی وقف بورڈ میں تقرریوں اور اس ادارے سے تعلق رکھنے والی 100 کروڑ روپے کی جائیدادوں کے لیز سے متعلق بے ضابطگیوں میں ملوثوں نے کا شبہ ہے، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ قبل ازیں امانت اللہ خان نے آج صبح ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے ای ڈی کے عہدیداروں کی ان کے گھر آمد کی اطلاع دی تھی اور ان کی گرفتاری کے امکانات کو ظاہر کیا تھا۔ ویڈیو میں امانت اللہ خان نے کہا تھا کہ اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں اور ای ڈی مجھے گرفتار کرنے میرے گھر پہنچی ہے۔ میرے گھر میں میری ساس ہیں جن کا کینسر کا آپریشن ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو ہر نوٹس کا جواب دیا ہے جو اسے وقف کے نام پر بھیجے گئے۔ انہیں صرف مجھے گرفتار کرنا ہے اور ہمارا کام بند کرنا ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے۔ امانت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ وہ مجھے ہی نہیں میری پارٹی کو بھی ہراساں کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے گرفتار کیا جائے۔ ان کا مقصد ہماری پارٹی کو توڑنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ہمیں جیل بھیج دیں گے۔ ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ امانت اللہ خان نے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ معاملہ سی بی آئی میں بھی ہے اور اب ای ڈی میں بھی لایا گیا ہے۔ یہ کیس 2016 سے چل رہا ہے۔ خود سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی بدعنوانی یا کسی قسم کا غلط لین دین نہیں ہوا ہے۔ غزہ میں مزید 6 اسرائیلی ارغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اتوار کی رات سے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے باقی بچے ہوئے ارغمالیوں کی واپسی کے لیے جلد سے جلد حماس کے ساتھ جنگ بندی کرنے کا مطالبہ کیا۔ نتن یاہو حکومت کے جاری اس مظاہرے کے متعدد تنظیموں اور یونین نے حمایت کرتے ہوئے اپنی خدمات ایک دن کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین ہسٹادرٹ نے پیر کے لیے عام ہڑتال کی کال دے کر حکومت پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس ٹریڈ یونین نے بینکنگ، صحت اور ملک کے مرکزی ہوائی اڈے بشمول معیشت کے بڑے شعبوں کو وقتی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ حکومت کو جنگ بندی معاہدے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ بزم فگار عظیم آبادی کی جانب سے ظفر صدیقی سوشل ساحل اور ظفر رائے پوری کے اعزاز میں ایک شاندار مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت مشہور و معروف کہنا مخش استاد ادیب و شاعر حلیم صابر نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مشہور و معروف افسانہ نگار شین انور نے بحسن خوبی انجام دیے۔ مشاعرے کے آغاز سے قبل مہمانوں کی گلپوشی کی گئی۔ مشاعرے کا آغاز محمد ادریس کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں رئیس اعظم حیدری نے ایک حمد شریف پیش کی، جبکہ ڈاکٹر احمد معراج اسسٹنٹ سیکرٹری بزم فگار عظیم آبادی نے تمام مہمانوں کا بھرپور تعارف پیش کیا۔ بعد ازاں مشاعرے کا باضابطہ انعقاد عمل میں آیا۔ اس مشاعرے میں حلیم صابر، ظفر صدیقی سوشل ساحل، ظفر رائے پوری، ڈاکٹر امر اعزازی، فصیح احمد ساحر، الف انصاری، مشتاق ہاشمی، اشرف یعقوبی، رئیس اعظم حیدری، مسلم نواز، مجسم ہاشمی، مستر افتخاری، ڈاکٹر احمد میرا، شفیق الدین شایاں، ارم انصاری، اسلم اقبال، اختر فرخان، یوسف اختر، جہانگیر خان یاور، شمیم ساگر، مشتاق زید، ڈاکٹر نگار سلطانہ و دیگر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خوب داد و تحسین حاصل کی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں شدید بارش اور سیلاب سے 15 افراد ہلاک، 5 افراد لاپتہ، مننے والوں کی فیکس 5 لاکھ روپیے معاوضہ۔ سری رام ساگر پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے گئے۔ بارش کا اثر تلنگانہ میں 1400 بسیں منسوخ۔ اور سپریم کورٹ نے بلڈوزر کاروائی کو غیر قانونی قرار دیا، گائیڈ لائنس تیار کرنے کی دی ہدایت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔